हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये फुल ट्यूटोरियल है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देख के आप अपने लिए बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। 32 साइज़ प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ के लिए 80 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है और इतना ही मेन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं शॉर्ट स्लीव्स का ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। अगर आप फुल स्लीव्स में बना रहे हैं तो 1 मीटर फैब्रिक आप लीजिएगा। सबसे पहले हमें टोटल लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की, तो इसे मैं बनाऊँगी बैक ओपन पर। आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है 1/2 इंच, इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हमें सारी मार्किंग इसे छोड़ते हुए ही करनी है। तो शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच, और यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो गला है पीछे 8.5 इंच से बड़ा है तो शोल्डर आपको 5 इंच ही लेने हैं। आर्म होल लेने हैं 1.25 इंच। आर्म होल हम कम ही रखते हैं डीप नेक में, नहीं तो फिर झोल आता है स्लीव्स के नीचे, इसलिए आप आर्म होल कम लीजिएगा। और इसे अगर आपको, जब आप स्लीव्स चढ़ाते हैं तो कैसे कट करके थोड़ा आर्म होल को आपको बड़ा करना होता है, वह आप फिटिंग वाले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। 1/2 इंच हम डीप नेक में इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे, और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देनी होती है। बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई आप 1/4 इंच पर दीजिएगा। अब हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे, तो कमर के लिए देखिए, हमें यहाँ पर 26 इंच का 4th पार्ट ले लेना है 6.5 इंच, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो बैक पार्ट को कट कर लेंगे, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फिर से हम कपड़े को देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दूसरी तरफ से, और कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ ही रखना है। यहाँ पर अगर आप फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था हाई हुक की पट्टी का, उसे लेते हुए ही सारी मार्किंग करें। तो मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। नीचे से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है टोटल लेंथ में। जब भी आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बनाते हैं तो टोटल लेंथ में, नीचे लेंथ में आपको फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम टोटल लेंथ लेंगे, जितनी कि हमने बैक पार्ट में ली थी उतनी टोटल लेंथ आपको यहाँ पर ले लेनी है। मैंने ली है 14 इंच, ये देखिए टोटल लेंथ पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 1/4 इंच। जैसी मार्किंग हमने बैक पार्ट के लिए की थी सेम उसी तरीके से मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। और इस तरीके से चेस्ट की लाइन बनाने के बाद आर्म होल की गोलाई देनी है हमें। नीचे से कमर का मेजरमेंट ले लेंगे, और अब मार्जिन से मार्जिन और मेन नाप से मेन नाप की लाइन को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेना है। यह हम इसलिए लेते हैं कि जो पार्ट हम यहाँ प्रिंसेस कट के लिए कट करते हैं उतना हमें साइड से एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना है। और अब हम कर लेंगे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही हमारे कटिंग हो गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई दे देंगे, गहराई हम बाद में कट करेंगे। और अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे, तो नेक विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच। अगर आप बढ़ा कर लेना चाहें तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं।
गले की लंबाई रखिए 6.5 इंच, नीचे से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और चकोर बॉक्स यहाँ पर एक बना लेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद देखिए मैं गले का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। तो आप यहाँ पर चकोर गला, राउंड नेक और पान शेप या पंचकोणी शेप कैसा भी डिज़ाइन आप फ्रंट में बना सकते हैं अगर आपका गला बैक ओपन है। बैक ओपन गले में फ्रंट में आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पर विड्थ में लेना है हमें 3 इंच, 3 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच पर, इस तरीके से 10 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और इस टक्स पॉइंट वाली लाइन को हम नीचे की तरफ से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से टक्स पॉइंट वाली लाइन से हमें बाहर की तरफ मार्क करना है 3.25 इंच पर और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे यहाँ पर। नीचे से विड्थ में लेना है हमें 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। टक्स की विड्थ है 1.5 इंच और लेंथ में 2 इंच पर मार्क करने के बाद हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे 1/2 इंच, इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे। और प्रिंसेस कट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। नीचे से हल्का सा शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स आप अपनी पसंद से जैसी भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.5 इंच की लेंथ में स्लीव्स कट कर रही हूँ। आर्म होल हमें नापना है इस तरीके से, जो मार्जिन वाला पार्ट होता है ऊपर से 1/2 इंच और साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए नापेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 7 इंच आ रहा है आर्म होल, तो यहाँ पर हम इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल जो होता है वो बढ़ जाता है। अब मैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लूँगी। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है और इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद स्लीव्स की कटिंग करना है। तो एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को कट नीचे से कट करके सीधा कर दिया है। अब हम गले यहाँ पर स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। टोटल लेंथ मैंने रखी है 4.5 इंच और आर्म होल नाप लेंगे 7.5 इंच पर। इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद हमने डाउन करना है इसे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर डाउन कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे। स्लीव्स का नीचे का बॉटम का मेजरमेंट आपको ले लेना है, मेरे मेजरमेंट में 5.5 इंच लिया है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो स्लीव्स की कटिंग हम इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद हम इसे खोल कर यहाँ पर गहराई कर देंगे। तो 1/2 इंच की गहराई हमें करनी है, ज़्यादा गहराई कट नहीं करनी है। साथ ही साथ आप इस पर मार्किंग ज़रूर कर लें ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं, अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे रखना है। सारे ही पार्ट मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। साइड से थोड़ा फैब्रिक को बढ़ाकर कट कीजिएगा। तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से रख लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को बराबर से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए, और इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखेंगे इस तरीके से और इसे भी सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे।
ये देखिए मैंने दोनों ही पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद अब मैं फ्रंट का गला ड्रॉ करूँगी पेपर पेस्टिंग पे। तो नेक विड्थ लिया है 2 इंच, गले की टोटल लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको रखनी है। नीचे से नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, और इस तरीके से स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से गले का शेप बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। और इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसे हम अस्तर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर मैंने इसे रख लिया है, और अब इस पे चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। एक रफ स्टिच लगा देंगे जिससे कि पेपर पेस्टिंग और कपड़ा अच्छे से साथ में अटैच हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और चौक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें ब्लाउज से सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर भी एक सेंटर मार्क करना है। और इस तरीके से इस पैटर्न को यहाँ पर रख लेंगे। सेंटर में एक रफ स्टिच लगा लेंगे, और अब हम नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई हमने लगानी है इस तरीके से। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए बाकी सारे फैब्रिक को कट कर देंगे, और नेक के ऊपर लगा लेंगे हम छोटे छोटे कट। कट लगाने के बाद गले को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, पलट के सीधा कर लेंगे इसे, और यहाँ पर देखिए कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा पैटर्न इस तरीके से आ जाएगा। और अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो आप नीचे से ही अटैच करें, ऊपर से ना करें। नीचे से अटैच करने से ये होता है कि अगर ऊपर कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे आर्म होल की गोलाई के साथ कट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का पार्ट भी नीचे से ही अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लेना है। दोनों तरफ से मैंने इन्हें अटैच कर दिया है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। इस तरीके से हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे। तो गले पर जो लेस है हमें वो इस तरीके से लगानी है। जहाँ पर हमारा गले का शेप है वहाँ पर हम छोटी सी प्लेट्स डालते हुए गले के शेप पर लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। फ्रंट जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच की गहराई हमने कट करनी है। तो इस तरीके से 1/2 इंच की गोलाई देते हुए हमने यहाँ पर इसे कट कर देना है। और देखिए पार्ट हमारा खुल गया है। तो इस पर सिलाई लगा कर इसे कवर कर देंगे।
फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक कट करेंगे। तो बैक पार्ट में नेक की जो विड्थ है वो हमें 2 इंच लेनी है और गले की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं रख रही हूँ यहाँ पर 10 इंच और मैं बना रही हूँ सिंपल राउंड शेप। आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। और अब हमें कर लेना है इसे कट। तो बैक पार्ट का जो नेक है वो मैं सिंपल तरीके से सिलाई लगाकर इसे पलट दूंगी। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से हमें रख लेना है। दोनों तरफ से हमें यहाँ पर इस पे इस तरीके से इसे अटैच करना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हमें इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगानी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए। और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है बाहर की तरफ से। और यहाँ पर हम 4 इंच की लेंथ में प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं स्लीव्स भी तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स पे भी सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। अब हमें स्लीव्स को पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और इसे डबल फोल्ड करके दोनों तरफ से पार्ट को चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। और अब मैं लगा रही हूँ हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर देखिए इस पर हमें इस तरीके से इसे रख लेना है, सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को पलट कर हम ऊपर की तरफ से इस तरीके से अटैच कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। बाहर की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हाई और हुक की पट्टी अटैच कर दी है। दोनों पार्ट को बराबर करके नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और अब मैं अटैच कर रही हूँ शोल्डर। तो आगे गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को अटैच करना है। अच्छे से यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। और अब मैं देखिए अपने ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करूँगी। उसके लिए सेंटर मार्क करना है कपड़े का, फ्रंट पार्ट का, और उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। एक पिन लगा देंगे। हाई की पट्टी को बाहर की तरफ रख करते हुए रखना है और एक रफ स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे बड़े टाके से। इससे ही होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए साइड से और ऊपर से बाहर की तरफ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस कपड़े को आपको कट करके बराबर करना है। ध्यान रखिएगा कटिंग ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो मार्जिन भी कम हो सकता है। तो आप यहाँ पर आप सारा ही एक्स्ट्रा पार्ट छांट लें जो भी बाहर की तरफ आ रहा है। दोनों तरफ से हमने इसी तरीके से इसे कर लेना है। आर्म होल्स तरफ से जब हमने कपड़े को छांटा है तो हमारा आर्म होल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमें कटिंग करते समय आर्म होल को थोड़ा कम लेना होता है। सेंटर से हम स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे और स्लीव्स पर डबल सिलाई लगाइएगा। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हमें अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगानी है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। तो एक सीधी सिलाई हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है साइड से।
और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से लगा लेंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई सबसे पहले हम कॉर्नर पर लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच, कमर का लेंगे 6.5 इंच और इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। स्लीव्स राउंड आपका जो भी होता है उसका मेज़रमेंट लीजिएगा, मेरे मेज़रमेंट पे 5.5 इंच है। और इस तरीके से मैं फ़िटिंग की सीधी सिलाई यहाँ पर लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको फ़िटिंग कर लेना है। और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।